खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां जिले में पदस्थ बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शिक्षकों ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति यथावत रखने के लिए अध्यादेश जारी करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि पिछले वर्ष बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर क्षेत्रों में 3000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, जिसके चलते उच्च न्यायालय के इस निर्णय को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। साथ ही सहायक शिक्षकों ने एसएलपी भी लगाई थी, लेकिन 28 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है। वही शिक्षकों ने इस नियुक्ति को यथावत रखने के लिए आदेश जारी करने की मांग की है। नौकरी खतरे में है, इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ रही है, क्योंकि पूरा परिवार हम लोगों को एक ही टीका है और छोटा बच्चा लेके ही हम लोग इतना स्ट्रगल के साथ तैयारी किए हैं, यहाँ तक आए हैं। नोटिफिकेशन में भी ऐसा कोई दिखाई नहीं था कि हम लोगों को बीच में निकाल दिया जाएगा, और ये जो हो रहा है गलत है। अगर निर्णय हम लोगों के अगेंस्ट आया तो चाहते हैं कि हम लोगों को रखा जाए, कैसे भी समायोजित किया जाए, बस नौकरी सेफ रहे। और हम लोगों की समस्या ये है कि एक जो रिजल्ट आया है 28 अगस्त का है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नौकरी है वो खतरे में। अभी हम लोगों को क्लियरली तो नहीं पता है कि उसका क्या होगा, लेकिन उसके कारण हम बहुत ज्यादा भय में हैं अभी सबको, अपनी नौकरी जाने के डर से, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन यापन का सहारा हो चुकी थी ये 11 महीने की जो हम जॉब कर चुके 11-12 महीने से। वो हम में से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, मेल और फीमेल दोनों, जिनकी एज लिमिट हो गई है, यानी आगे के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट है, उनको अपने बच्चों को भी देखना है, उनका फ्यूचर भी दाव पे लग चुका है इन सब मैटर के कारण। इसके अलावा बहुत से टीचर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की जॉब में आने के बाद लोन ली हुई है, तो सबके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हमारा क्या होगा। बीएड प्रशिक्षित जो शिक्षक है हम, वो 3000 है सर। बस कलेक्टर जी के माध्यम से सीएम को हम अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कुछ हमारे अगेंस्ट आता है फैसला तो वो हमें किसी भी तरह बचाए, अध्यादेश लाकर वो हमें बचा सकते हैं, तो बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें बचा लें। हम सहायक शिक्षक हैं, विगत 11 महीने से कांकेर जिले में कार्यरत हैं, और हमारे साथ साथ बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में हम 2023 से यहाँ कार्यरत रह रहे हैं। हम एक बीएडधारी शिक्षक हैं जो सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हुए हैं व्यापम के द्वारा, रेगुलर भर्ती के द्वारा यहाँ हमने ज्वाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ न्यायालयिक प्रकरण उपस्थित था, और उसके कारण क्या हुआ है कि सबसे सर्वप्रथम हमारे हाई कोर्ट में हमको पता नहीं था कि हम किस जॉब में जो ज्वाइन करने वाले हैं वो जॉब किसी ये न्यायालय में जाने वाला है। हमने जॉब एग्ज़ाम दिलाया 2023 में, रिजल्ट आया 2 जुलाई को, और एक फैसला आया 11 अगस्त को, है ना, जो जिसके द्वारा ये कहा गया कि बीएडधारी व्यक्ति हो सहायक शिक्षक नहीं बन सकते, जबकि उस समय तक हमने एग्जाम दिला दिया, रिजल्ट आ गया और हम ज्वाइन करने के लिए एकदम से रेडी थे, है ना। ये समस्या हमको बाद में पता चला, हमको पता ही नहीं था, और हम जब वहाँ पर हमने जब ज्वाइन किया हमारे कांकेर में या फिर बस्तर में या सरगुजा संभाग में जहाँ के सुदूर अंचल में है एक्चुअल में, तो वहाँ हमने मेरिट में आया, मतलब ये है कि जो एग्जाम का क्वालिफिकेशन था, बीएड वाले भी एग्जाम दिलाए, डीएड वाले भी एग्जाम दिलाए, हम करीबन 3000 सहायक शिक्षक बीएड के रूप में पदस्थ हुए और कुछ डीएड के साथी भी पदस्थ हुए। उनका रैंक अगर जिनका रैंक 1 से लेकर के 3000 या 6000 तक रहा वो ज्वाइन किए, उसमें मेरिट के आधार पर हुआ।